हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब इक्वल टू जीरो देन निकालना है हमें। क्वेश्चन बनाने पे आप लोगों को समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखे हुए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। सीधे सीधे हम एक्सरसाइज से ही बता देते हैं ताकि आप लोगों को कम टाइम पे ज़्यादा ही अच्छे से समझ आए। तो इसको पहले गुणनखंड विधि से निकाले। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एंड 10 इक्वल 1 इक्वल टू 10 हो गया आपका। तो 10 कितना से गुणा चाहिए, 10 इंटू 1 10 ही है, 5 इंटू 2 ना 5, तो 3 में 5 में 2 हटाएंगे तो 3 है, तो 3 यहाँ पे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस रह गया 5 माइनस 2 एक्स, 5 में 2 घटाएंगे 3 3x, वही चीज़ आ जाता है माइनस 10 इक्वल टू 0। इस चीज़ को आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट बता देते हैं। तो भी नहीं समझ आएगा तो फिर आप हमसे बोल सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मूल निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा है द्विघात समीकरणों के मूल निकालना। मूल निकालना, ये भी इसके बराबर जीरो और ये भी इसके बराबर, तो सीधा सीधे हमें एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो होगा और एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये भी दोनों को सेम ही है, सेम टू सेम, तो हमें मूल निकालना है। मूल माने कि इक्वल टू जीरो, देन इक्वल टू जीरो निकालना। तो इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस, देन एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू माइनस 2, यही आपका आंसर होगा इक्वलेशन के साथ। ओके, तो हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी तरह आप लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना दूँ क्योंकि ये रूट में है, शायद मे भी किसी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा रूट में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हम इसको फिर बता दे रहे हैं। इसका गुणनखंड करेंगे, 7x लाना है, 7x के लिए गुणनखंड विधि से हमें बनाना है। गुणनखंड विधि इसको और इसको पहले गुना करना रहता है, मे बी तो रूट टू इसको गुना 5 रूट टू हो गया। रूट टू और रूट टू कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचा, 5 बचा और इधर से 2 बच गया आपका। ये रूट टू आपका डबल बार गुना होगा तो ये टू ही बचता है, तो 10 हो गया। 10 को कितना कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 इंटू 1 5 इंटू 2 इंटू 5, इसमें इसको जोड़िएगा तो भी 7 आएगा, इसमें इसको जोड़िएगा तो भी 7 ही आएगा। तो हमें 7x चाहिए, तो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x, हमें जो चाहिए था मेन पोर्शन वो मिल गया। नाउ आगे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0 ना। हमें कंबाइनेशन एक्स दोनों में एक्स सेम है, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है, तो दोनों में से एक एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, रूट टू एक्स प्लस 5। यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 2, यहाँ पे 2 कॉमन होगा, जैसे कि रूट टू इंटू रूट टू को हम 2 लिख सकते हैं, तो इस 2 को भी हम लोग रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। दैट्स यहीं पे यही प्रोसेस करना है, इस रूट टू को सॉरी इस 2 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में लोग लिख सकते हैं 2 को रूट टू के फॉर्म में, क्योंकि बाद में तोड़ने पर वही आ जाएगा। तो एक रूट टू बाहर निकल गया, यहाँ से भी वही रूट टू को यहाँ से भी बाहर निकलेगा, तो अंदर यहाँ पे कितना बचा, रूट टू एक्स प्लस यहाँ से ये निकल गया बाहर, तो बचा प्लस 5 इक्वल टू 0। मेन पोर्शन ये दोनों मैच होना चाहिए तब जाके ये सही बनेगा, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए। एक्स प्लस रूट टू एंड रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू, इसीलिए
एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू रूट टू, एक्स निकालना है हमें, तो एक्स में फाइव इधर माइनस हुआ, गुना है तो ये इधर आके भाग हो जाएगा आंसर। ये इसी तरह बनेगा सारे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ऐसे आगे कोई क्वेश्चंस है नहीं जो समझाने के लायक मुझे, मेरे लगता है जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।